एक बार अगर आप समझ गए ना कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से कवर करना है और कौन से टॉपिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, तो साउथ स्क्रीनिंग जैसा एग्जाम कोई बहुत बड़ा खास एग्जाम है नहीं। आपको बस पता होना चाहिए कि कितना आपको टॉपिक डिस्कस करना है, कितना उस पर टाइम आपको कितना देना है। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से वाई एकेडमी में। मैं हेमंत सर आज आपको बताने वाला हूं कि फिजिक्स में हमें किस किस टॉपिक पर वेटेज वाइज साउथ स्क्रीनिंग के टेस्ट में आपको ध्यान देना है, ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में हो और उससे क्या होगा कि आप अननेसेसरी किसी अन्य टॉपिक पर व्यर्थ में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और जो जो टॉपिक आपको साउथ स्क्रीनिंग जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं बस सारा का सारा फोकस उसी पे रहेगा और आपके मार्क्स भी डेफिनेटली, अगर आपने ये सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए अच्छे से और वो सब कुछ आपने प्रैक्टिस किया है, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि हाँ आप तैयार हैं एग्जाम के लिए। तो चलिए आप भी देखिए आपका रिवीजन कितना है और किस किस टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैंने एनालाइज किया पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर को लेकर और देखा है कि वहां पर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो कि आपका एक्चुअली में नाइन्थ क्लास का पूरा सिलेबस है और नाइन्थ क्लास के सिलेबस का ही सबसे ज्यादा वेटेज है किसी भी और सब्जेक्ट में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से करना है, पूरा प्रायोरिटी उसी को देना है, टाइम अच्छे से उसमें देना है। और होता क्या है कि टेंथ क्लास के बच्चे हैं आप लोग, तभी तो एग्जाम देने जा रहे हैं, टेंथ क्लास जस्ट पास किया है, और नाइन्थ क्लास का टॉपिक क्या होता है, थोड़ा थोड़ा धुंधला हो जाता है और आप लोग सोचते हैं कि हाँ नाइन्थ वाला उतना नहीं पूछेगा, टेंथ वाला ही पूछेगा, और इस चक्कर में गलती हो जाती है आपसे। तो सबसे पहला आप याद कर रख लें कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर सबसे ज्यादा देखने के लिए आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। उसमें हम अंदर भी अभी डीप डिस्कशन करेंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या पूछने वाला है। वैसे ही आगे देख लेते हैं, अगेन अगर मैं सिर्फ मोशन बोलूँ ना, सिर्फ मोशन बोलूँ तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन उसी में आ जाता है, इक्वेशन ऑफ मोशन भी आता है और ग्रेविटेशन का भी पार्ट लगभग काइनेमेटिक्स में ही आ जाता है। तो सिर्फ इन तीनों को देखा जाए तो आपका 50% सिलेबस यहीं से है। और समझ लीजिए जिन्होंने नाइन्थ क्लास में थोड़ा सा भी चूक किया तो उसका 50% गया। तो इसका मतलब साफ है कि आपको इसके ऊपर कटौती नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा कि आपने पढ़ा होगा उसमें आपको हम डिस्कस करेंगे उसमें किस किस टॉपिक पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वहां से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और फिर ग्रेविटेशन उसमें भी लगभग 2 से 3, ये ऐसा नहीं है कि हर बार इतने ही का पूछेगा, ये ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोस्टली परसेंटेज वाइज लगभग यहाँ पर दिया हुआ है, आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। तो ग्रेविटेशन भी 2 नंबर के रहेंगे, जहाँ फोर्स बिटवीन द 2 मासेस आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है, या फिर 2 गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया तो क्या होगा फोर्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे अभी, चलिए। और उसके बाद जो 10th क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, उससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और देखा जाए तो ये भी एक अच्छा वेटेज रख रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या क्या टॉपिक, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला, ये सब चीजें आपको अभी डिस्कस करेंगे डीप में। उसके आगे चलते हैं तो देखते हैं मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग दोनों का वेटेज, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ही लगभग सेम वेटेज रख रहा है। सिर्फ ये तो 2 टॉपिक जो है लगभग 30% सिलेबस आपका कवर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इन दोनों को भी आपको ध्यान से अच्छे से कंप्लीटली पढ़ना है। उसके बाद बात कर लें मिरर का, तो मिरर के 2 क्वेश्चन और फिर लास्ट में आ जाता है लेंस, उसमें भी 2 क्वेश्चन। तो ये लगभग आपका पूरा सिलेबस है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं समझने के लिए, ताकि आपको एक जनरल आइडिया मिल जाए कि किस टॉपिक का आपको किस हिसाब से प्रायोरिटी देना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब डीप में कि हाँ तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, ये सारे टॉपिक आपके पूछे जा रहे हैं, जहाँ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन रहेंगे आपको, फोर्स से रिलेटेड F=ma का फॉर्मूला उससे रिलेटेड क्वेश्चन, फिर फ्रिक्शन की बात कर ले, फ्रिक्शन रहेगा आपका, फिर उसके बाद वर्क डन निकालने के लिए,
और बात करें पावर की, एनर्जी की और ग्राफ, ग्राफ तो आ ही रहा है, एक क्वेश्चन जरूर आपको ग्राफ से देखने को मिल ही जाएगा। तो ये सारे चीज में आपको एवरेज वेलोसिटी पता होनी चाहिए। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हालांकि एक क्वेश्चन तो ऐसा पूछ दिया कि उसमें पूछा कि फॉर्मूला बताओ, और फॉर्मूला में ये ऑप्शन में नहीं था। एक और फॉर्मूला है आपका u प्लस वी बाय टू, या फिर जितने भी वेलोसिटीज हैं उन सब का सम कर लीजिए, v1 प्लस v2 प्लस v3 और डिवाइडेड बाय जितने वेलोसिटी थे उतनों से डिवाइड। ये एवरेज निकालना आपको आता है, बट क्वेश्चन जब पूछेगा ना ये फॉर्मूला यूज मत कीजिएगा। मैं आपको अभी यहाँ पर सचेत कर देता हूँ, जैसा कि एक क्वेश्चन अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सिंपल सा, कि कोई बच्चा है एक स्क्वायर पार्क को 10 के स्पीड, 20 के स्पीड और 30 के स्पीड और लास्ट में 40 के स्पीड से पार करता है। हर साइड को पार करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से जाता है, तो क्या होगा इस जगह पर उसका एवरेज वेलोसिटी। इस टाइप का क्वेश्चन आप इस फॉर्मूला से अगर बना देंगे 10, 20, 30, 40 ऐड करके 4 से डिवाइड, तो आपका डेफिनेटली गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर सिंपल यही फॉर्मूला यूज करना है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट अगर 0 ले लेंगे तो आपका समझ में आ जाएगा कि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, राइट। यहाँ से देखिए ये गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, सिंपल सा इसका आंसर 0 है। बट इसी केस में जब अगर एवरेज वेलोसिटी ना देके स्पीड पूछ दे, एवरेज स्पीड पूछ दे, तब क्या करोगे? तब क्या ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? तब भी ये फॉर्मूला लगाएंगे तब भी आंसर आपको गलत हो जाएगा। ये मिस्टेक होती है, मैंने जनरली देखा है ये स्टूडेंट का बहुत सारा मिस्टेक होता है इस क्वेश्चन में। आपको इस केस में क्या करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस बाय टाइम लगाना है। और क्योंकि इस जगह पे डिस्टेंस दिया नहीं है तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि नहीं, एज्यूम कर लीजिए। और एज्यूम हमेशा ऐसा डिस्टेंस कीजिएगा जो इन चारों नंबर का एलसीएम होगा, 10, 20, 30, 40, एलसीएम लगभग 120, ऐसा नंबर जो सबसे कट जाए वो मान लीजिए। इसको भी 120, इसको भी 120, इसको भी 120, इसको भी 120, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 × 4। तो टोटल डिस्टेंस 120 × 4 एंड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अगर कोई बच्चा 10 के स्पीड से 120 चलने वाला है कितना टाइम लगाएगा, करेक्ट 12, प्लस 20 के स्पीड से चलेगा तो 6, और 30 के स्पीड से चलेगा तो 4, और 40 के स्पीड चलेगा तो 3। बस यही आंसर है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर आएगा। मोस्टली बच्चे क्या कर लेंगे, चेक कर लीजिएगा आप, किसी बच्चे ने अगर 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 डिवाइड बाय 4 कर दिया होगा तो उसका ये बिल्कुल ही गलत आंसर आएगा, मैच नहीं करने वाला, आप चेक करके देख लीजिएगा। ये है इक्वल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। इक्वल डिस्टेंस में ये फॉर्मूला काम नहीं करता। ये फॉर्मूला काम कब करता है, जब इक्वल टाइम हो। क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चल रहा है, ठीक है, और हाफ टाइम इस वेलोसिटी से चलता है और हाफ टाइम इस वेलोसिटी से चलता है, इन दैट केस v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बट ये टाइप के क्वेश्चन आपको फंसाए जा सकते हैं। तो ये आप यहाँ से डिस्कस करेंगे, कहाँ, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड टाइप के क्वेश्चन में। फिर आ जाता है हमारा फोर्स, ठीक है, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं यहीं पर समझा सकूँ आपको। फिर आ जाता है हमारा फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, F=ma हो जाता है। और इसी से एक और फॉर्मूला, प्रेशर वाला भी फॉर्मूला इसी यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। यहाँ पर ये सारे बेसिक फॉर्मूले, इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, इजीली बता सकते हैं। क्वेश्चन घुमा के डायरेक्ट नहीं पूछेगा फोर्स का वैल्यू दे दिया, मास का वैल्यू दिया, एक्सेलरेशन बताओ, ऐसा नहीं पूछता। क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द रेशियो इफ द मासेस का रेशियो दे दिए और उस समय फोर्स का रेशियो पूछे, एक्सेलरेशन अगर दोनों पे सेम है, कॉन्स्टेंट है, तो इन दैट केस आप डिस्कस कर लेंगे, फॉर्मूला यही यूज होगा, इसलिए मैं फॉर्मूला यही लिख रहा हूँ। बट क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है उनका। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर
ठीक है। फिर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा का पूरा वहां पर कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन से लेके आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको सब कुछ पता होना चाहिए। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला म्यू इंटू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स जितना भी रहेगा और उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। और ये म्यू क्या है, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू जीरो से लेके मैक्सिमम वन तक हो सकती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपका सरफेस कैसा है, जितना ज्यादा रफ होगा उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी, म्यू की वैल्यू, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। और एन क्या है, नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर फोर्स जो होता है उसे हम कहते हैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये क्या है, कॉन्टैक्ट जब होता है तभी होता है, कोई ऑब्जेक्ट किसी टेबल पर रखा है तो वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा और उसके ऊपर एक बैलेंस करने के लिए नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा जो परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ होगा। तो सरफेस से परपेंडिकुलर लिया जाता है, और कभी कभी सरफेस ऐसा दे देता है उस समय कोई ब्लॉक इसके ऊपर दबाया जा रहा है किसी फोर्स से, ठीक है, और ये दीवार से चिपक गया है, तो उस समय नॉर्मल फोर्स क्या होगा, वही होगा जो ये फोर्स दबा रहा है, क्योंकि ये अब परपेंडिकुलर इधर हो गया। तो इन सब टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्शन पे आपको पूछने को मिल सकते हैं, ठीक है। वर्क, वर्क डन का फॉर्मूला अपने पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और हालांकि ये यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, कॉस थीटा भी आता है, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट है एक्चुअली, लेकिन इतना डिटेल में आपको जानना नहीं है, बस ये कॉस थीटा, थीटा क्या, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री पर है तो कॉस थीटा का वैल्यू जीरो हो जाएगा, और उस केस में वर्क डन जीरो हो जाएगा। वो कूली वाला केस, अगर कोई कूली अपने सर पर मास उठाकर आगे जाता है तो वो वर्क डन कितना कर रहा है, तो जीरो कर रहा है, क्यों, क्योंकि मास उठाया उसने ऊपर और जा रहा है इधर, तो दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, इसलिए इसका आंसर भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम लोग पावर पर, पावर और एनर्जी, ये दोनों ही चीज आपको सीधा वर्क डन, वर्क डन जो भी वर्क है उतना ही एनर्जी होगा। एनर्जी क्या है, जितना आपके पास है उतना ही वर्क डन कर सकते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट और वर्क का ऐसा यूनिट सेम ही होता है, और अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है तो एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम या फिर वर्क डन बाय टाइम आपका निकल जाएगा यहाँ पर पावर, ठीक है। पावर आपका फॉर्मूला ये हो जाता है, ऐसा यूनिट होता है वर्क, ये सब याद रखेंगे। और ग्राफ से जो मैंने बताया आपको, ग्राफ से इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ, इन सब में मैं जान ही रहा हूँ जरा डीप में, फॉर्मूले बस आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इन सब से फॉर्मूले क्वेश्चंस बहुत हैं, पूरा डीप है, तो उतना डीप में भी जाएंगे ना, आपने किया होगा ऑलरेडी, बट ग्राफ से कुछ जो पॉइंट हमने लिया है वो डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ के बारे में हमने जाना है, दो तरह के ग्राफ ज्यादातर एग्जाम में देखे जाते हैं, एक होता है एसटी ग्राफ और एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको पोजिशन टाइम ग्राफ बोलिए, एसटी टाइम ग्राफ बोलिए, एक ही बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हो गया। इसका स्लोप इंपॉर्टेंट है, इसका स्लोप क्या होता है, वो क्या देता है, स्लोप का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मैथ में, dy by dx, यहाँ पर dy में क्या है, चेंज इन पोजिशन, और x में क्या है, चेंज इन टाइम, पोजिशन बाय टाइम क्या देता है आपको, वेलोसिटी देता है। तो इसीलिए ये बात याद रखेंगे, स्लोप क्या देगा, तो क्वेश्चन पूछ देता है कि a है ये b है, बताइए किसका वेलोसिटी ज्यादा है, बता पा रहे, b का वेलोसिटी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि b का स्लोप ज्यादा है, जितना ज्यादा स्टीप स्लोप होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी। अगर यही ऐसा गिरता हुआ अगर कोई ग्राफ है तो इसका मतलब वेलोसिटी अभी भी है बट निगेटिव में है, निगेटिव स्लोप, अगर स्लोप ऐसा रहेगा तो फिर जीरो स्लोप, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ये सारी चीजों के ऊपर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो ग्राफ के बारे में आपको भी ये सब पता होना चाहिए। और यहीं अगर बात कर ले वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, वो क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप देता है हमको एक्सलरेशन, एक्सलरेशन दे देता है आपको स्लोप, और इसका एरिया भी कुछ देता है, इसका एरिया क्या देता है, एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट, एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट, इसका एरिया कुछ नहीं देता, कोई काम का नहीं है इसका एरिया, ठीक है, फिजिक्स में इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट दे देता है। तो आपको ये दोनों चीज
ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ग्राफ पर इन सब से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। नॉन यूनिफॉर्म का पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म का पोजीशन टाइम ग्राफ कुछ ऐसा होगा जहां डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होते जाएगी बढ़ते हुए टाइम से, फिर रेस्ट का कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन का कैसा होगा। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ग्राफ के बारे में। तो ये सारे क्वेश्चन थे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर और देखते हैं वहां पर किस किस टाइप के टॉपिक आपको डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पर आ जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन से किस टाइप के क्वेश्चन? तो ऑब्वियसली इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे तीन है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, इससे पूछा जाएगा, ठीक है। और दूसरा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इससे ऑब्वियसली क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और पूरा का पूरा कंडीशन आप फ्री फॉर्म में भी डाल दीजिए, जहां u की वैल्यू जीरो ले लीजिए, a की वैल्यू g के बराबर ले लीजिए। तो फ्री फॉर्म और इक्वेशन ऑफ मोशन पे सारे के सारे क्वेश्चन इस पे ही बन जाएंगे। एक और खास तरह का क्वेश्चन है ये डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। ये चीज पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा रहा है, ये आपको बहुत सारे बच्चों को आता ही नहीं। डिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर आपको पता होगा ना, एक ऑब्जेक्ट जब नीचे गिरता है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, एक सेकंड तक गिरने दिया फ्री फॉल के कंडीशन में, एक सेकंड तक गिरने दिया तो ये 5 मीटर ट्रैवल करेगा, ये पता है कि नहीं। और 2 सेकंड तक ट्रैवल करने दिया, 2 सेकंड तक ट्रैवल करने दिया तो ये टोटल कितना गिर जाएगा? ये टोटल गिर जाएगा 20 मीटर। आप कैलकुलेट करके देखिएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग 10 लेके चल रहे हैं। तो उस केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर पर डालिएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 5 सेंड कर दिया, 5 हो जाए 20, और ये 20 मीटर आ चुका है। तो यानी 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 20 मीटर। यानी 2 सेकंड में 20 चला है, पहले सेकंड 5 चला था। तो क्वेश्चन पूछता है nth सेकंड, यानी सेकंड दूसरे वे सेकंड में कितना चला है ये बताइए। दूसरे वे सेकंड में चला होगा 20 माइनस 5, यानी ये चला है 15 मीटर। ये क्वेश्चन पूछ देता है और बच्चे वहां पर 20 का ऑप्शन में दिखेगा, ऑप्शन रहेगा वो 20 लिखेगा और बच्चे मार देंगे इस पे टिक और गलत हो जाएगा। ये 20, देखिए दो चीजें हैं, सेकंड और आफ्टर 2 सेकंड, इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? तो आफ्टर 2 सेकंड आंसर इज 20, ओके चलेगा, बट सेकंड में आंसर है 15 मीटर। ये चीज का डिफरेंस समझना है आपको। ये डिस्टेंस का रेशियो पता चल जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस का रेशियो आपको इस चार्ट के बारे में पता होगा, मैं क्लास में सिखाता रहता हूँ ये आराम से इजिली। ये किसी भी फिजिक्स टीचर के जब आप पूछोगे तो ये रेशियो आपको जरूर समझाए होंगे, आपके क्लास में भी जरूर समझाया गया होगा कि एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट चलता है 5 मीटर, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 45, 4 सेकंड में 80, 5 सेकंड में 125 एंड सो ऑन निकाल के आप देख सकते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाकर, ठीक है। ये कब हो रहा है? जब ए की वैल्यू जी और कितनी ली गई है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली गई है, तब का ग्राफ है ये, ठीक। अब अगर इसमें पूछा जाए पहले सेकंड कितना चला, पहले सेकंड तो 5 ही चला होगा क्योंकि 0 में 0 चला, तो 1 सेकंड में 5 चला, तो पहले सेकंड कितना चला, पहले सेकंड का आंसर है 5 ही है, पहले सेकंड का आंसर 5 मीटर ही है, ठीक है। दूसरे वे सेकंड कितना हो गया, 15। तीसरे वे सेकंड कितना हो गया, आप माइनस करके देख ले तो ये हो जाएगा 25। और अब आपको समझ में आ जाएगा ये कोई रिलेशन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये 5, 20, 45, 80 कैसे हो गया, नहीं समझ में आ रहा होगा, बट ये रिलेशन आपको समझ में आ रहा होगा, 5, 15, 25, आगे कितना होगा, 35, वेरी गुड, आगे 45, देख लीजिए आप चेक करके। तो यही होता है रिलेशन, और इसका रेशियो जो है गैलीलियोज रेशियो के नाम से जाना जाता है, और इसका सबको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा 1 टाइम्स में, ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, ये कट जाएगा 5 टाइम्स में। तो रेशियो जो आता है ना, ये बहुत ही प्यारा रेशियो आता है, ये समझ में आ गया होगा आपको क्या है। ये ऑड नंबर का रेशियो है, ऑड नंबर का रेशियो ही है आपका डिस्टेंस का रेशियो। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये ऑड नंबर के सीरीज में चलता है, यही आपका डिस्टेंस रेशियो है।
और ये बहुत बार घुमा फिरा कर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताओ फोर्थ सेकंड, क्वेश्चन रहेगा ऐसा कि फोर्थ सेकंड और फिफ्थ सेकंड में चलने वाले डिस्टेंस का रेशियो क्या है। तो आपको पहले फोर्थ सेकंड में कितना चला वो पता करना पड़ेगा, उसके लिए फोर्थ सेकंड, चार सेकंड में कितना चलता है और तीन सेकंड में कितना चलता है उसके बाद माइनस करोगे तब आपको पता चलेगा कि चौथे सेकंड कितना चला, और फिर फिफ्थ के लिए भी पांच और चार का माइनस करोगे तब पता चलेगा और फिर जाके रेशियो निकालोगे। अरे इतना क्यों करना है, सीधा देखो पहले सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे, चौथे और पांच में रेशियो किसका पूछा, फोर्थ और फिफ्थ का, 7/9 आंसर आ गया। इतना इजी है अगर ये रेशियो पता रहेगा तो, इतना इजी है। फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, फिफ्थ सेकंड एंड सो ऑन। और जिसको एनएच सीरीज का फॉर्मूला पता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप 89वें सेकंड और 98th सेकंड का भी निकाल सकते हैं रेशियो। तो बहुत इजी है, ये सारी चीजें आपको इससे पता रहनी चाहिए। फ्री फॉल का इक्वेशन और ये तो बना ही लेंगे, ये दोनों जो होता है बच्चों को फंसाता है, तो ये दोनों का थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको आइडिया दे दिया ताकि आपको ये भी चैप्टर अच्छे से आ जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि अगला जो टॉपिक है उस पर क्या क्या पूछा जाता है। तो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन, इस पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं लेकिन हर बार एक ही टाइप के क्वेश्चन देखने को मैंने देखे, हर बार लगभग लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या क्या, तो हाँ फोर्स का फॉर्मूला, ऑब्वियसली ग्रेविटेशन है तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स होगा, उन दोनों का फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है और ये पता ही होगा आपको। इसके ऊपर क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं रहेंगे लेकिन कैसा रहेगा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है जी M1 M2 by डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्वेश्चन सिंपल सा रहेगा, डिस्टेंस को अगर दो गुना बढ़ा दिया ना तो फोर्स कितना गुना हो जाएगा, 1/2 टाइम्स, 1/4 टाइम्स, 1/8 टाइम्स, क्या। तो इस टाइप से क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी मैंने पूछा लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसमें करके देता है कि दो प्लैनेट है ए एंड बी, दो प्लैनेट है ए एंड बी, दोनों का रेडियस इसका दो गुना है, इसका आर है तो इसका 2R है, और दोनों दोनों पर आपको निकालने बोल दिया जी का वैल्यू। ठीक है, ये भी फॉर्मूला इसी से डिराइव हुआ है, वैल्यू ऑफ जी का आपको फॉर्मूला पता होगा, जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले पर आपको क्वेश्चन देखने को थोड़ा सा हार्ड करता है तो इस फॉर्मूले पर पहुंचा देता है, वो भी अगेन रेशियो वाइज ही क्वेश्चन खेलता है और पूछता है कि इस पे जी ए की वैल्यू और जी बी की वैल्यू सेम है जबकि रेडियस डबल है तब भी सेम कैसे हो गई। इसका मतलब मास में कुछ तो लोचा किया होगा M1 M2 का, तो M1 और M2 का रेशियो बताओ या MA MB का रेशियो बताओ, ऐसे करके पूछ दिया ताकि इन दोनों का जी का वैल्यू सेम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन और फिर इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे, रेशियो वाइज टाइप से क्वेश्चन। फिर आ जाता है आपका डेप्थ पे, हाइट पर ये फॉर्मूला कि हाँ जी डेप्थ का फॉर्मूला है, जी डेप्थ में फॉर्मूला क्या होता है, 1-D/R (g). ये हो गया आपका डेप्थ का फॉर्मूला कि अगर आप डेप्थ में गए तो कितना जी की वैल्यू हो जाएगी, अगर आर बाई टू गए हैं तो आर चले जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, सेंटर में पहुंच जाएंगे। और फिर वैसे ही हाइट पर कि अगर आप दो गुना हाइट पर पहुंच गए रेडियस के, 2R पहुंच गए, R पहुंच गए, 4R पहुंच गए, उस हिसाब से आपका उस समय आपका जी क्या होगा, R/R+H आपका ये फॉर्मूला का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला उस समय लग जाता है, वहां पर H की वैल्यू आप 2R जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से पुट कर लेंगे, अगर किलोमीटर्स में दिया है तो उस हिसाब से यहाँ पर पुट कर देंगे और उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा जरूर, और नहीं भी करेंगे तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी 100 1000 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 1000 ऐसे भी कैंसिल हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस जरूर करना है। और लास्ट में जाता है हमारा एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है √2
GM/R, जहां पर M क्या है, मास है, और R रेडियस है, और G कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इन 10^-11, उसका ऐसा यूनिट भी पता होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ये सारी चीजें आप याद रखेंगे, और अर्थ के लिए ये होता है 11.2 मीटर किलोमीटर पर सेकेंड। ये सारी कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखनी है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस जिस हिसाब से आएंगे वो भी आपको समझना है। मून के लिए पूछ देगा तो 1/6 होता है, तो ये सारी चीजें आपको फॉर्मूला पे बेस्ड रहेंगी। चलिए, ग्रेविटेशन तो समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला टॉपिक किस पे क्वेश्चंस रहते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पर भी देखने को मिले हैं, और वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से डेफिनेटली क्वेश्चन आने वाला है। लिख के ले लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अगर आपने नहीं किया है तो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए कब क्या होता है, ठीक है। अभी मैं इसके ऊपर डिस्कस डीप नहीं जाऊंगा। फॉर्मूला क्या है आपको पता है, सीरीज में ऐड कर देते हैं, पैरेलल में 1/R, 1/R2 ऐसे करके फिर रेसिप्रोकल लेते हैं, वो सब कुछ आपने किया होगा, जान रहा हूं मैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। दूसरा, करंट वोल्टेज का कैलकुलेशन आपको पूछ देगा, यहाँ पर वैल्यू पूछ देगा करंट की कितनी है भाई बताओ, अगर यहाँ पर इतनी है तो यहाँ पर 2 एम्पियर है, यहाँ पर कितनी होगी, अगर इनका वैल्यू दे देगा ऑब्वियसली तब आपको कैलकुलेट करना है। वही ओम्स लॉ से ही तो हम कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज करंट का, बट यहाँ पर मैंने ओम्स लॉ इसलिए भी लिखा है क्योंकि ओम्स लॉ का स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बहुत बार पूछ देता है कि ओम्स लॉ लीनियर पे काम करता है कि नॉन लीनियर रेजिस्टेंस पे भी काम करेगा, तो वो ओम्स लॉ को आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। ये सिर्फ लीनियर डिवाइस पे काम करता है, और टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो तभी काम करता है। ये सारी चीजें पे आपको पूछ दिया जाता है कि कब काम करता है, कब ओम्स लॉ काम नहीं करता है। तो ओम्स लॉ के लिए लीनियर डिवाइस होना चाहिए, बेसिक सी बात है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा तभी ये आराम से फुलफिल करेगा सारी क्राइटेरिया को। फिर आ जाता है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट, रेजिस्टिविटी रो क्या फॉर्मूला होता है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी से शो करते हैं, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेजिस्टिविटी को लेके रो एल बाई ए। इसमें दो तरह के क्वेश्चन, कट कर दिया, ऐड कर दिया, उस केस में तो सिर्फ आप कर देते हैं, बट अगर स्ट्रेच किया वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए उस केस में क्या होगा, उसका आपको एक छोटा सा यहाँ पर हिंट दे देता हूँ, या फिर इसको कह सकते हैं आप लोग कि हाँ एक ट्रिक बता दिया कि आप याद रखेंगे कि अगर दो गुना 2 times स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच समझ रहे हैं, खींचा गया है एक वायर में, वायर को खींचेंगे तो क्या होगा, ये वायर थोड़ा पतला हो जाएगा और थोड़ा लेंथ में बढ़ा भी हो जाएगा। लेंथ बढ़ तो गया, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है, और खींचने से पतला हो गया होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो गया होगा, इससे भी रेजिस्टेंस बढ़ता ही है। तो आपको दो बार खींचा, 2 times खींचा, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, डेफिनेटली बात है इंक्रीज होगा, और कितना टाइम्स इंक्रीज होगा, जितने टाइम्स खींचा है ना उसका स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। 2 का 4 times इंक्रीज हमको देखने को मिलेगा, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, जितना भी टाइम्स खींचा उसका स्क्वायर कर लो, ठीक है। 3 times खींचा तो कितना हो जाएगा, 3 times खींचा तो 9 times हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है यहाँ रेजिस्टिविटी को लेकर, ठीक है, रेजिस्टिविटी में ये सारी चीजें आपको समझनी है। और फिर पावर एनर्जी का फॉर्मूला, वही जैसे हमने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था, आपको यहाँ पर जो पावर का फॉर्मूला है वो है I²R। ये आपका पावर V×I, ये भी आपका पावर, और V²R ये भी आपका पावर, और इसी में T से मल्टीप्लाई कर देंगे I²RT, तो आपका बन जाएगा एनर्जी का फॉर्मूला, यही V×I×T आपका बन गया एनर्जी का फॉर्मूला, अगेन सेम। तो ये सारे फॉर्मूले आपको इलेक्ट्रिसिटी पर पता होने चाहिए, और इन सब से घुमा फिरा के क्वेश्चन जरूर आएंगे, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे भी डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे आपके वैल्यू हो गए। अब बात कर लेते हैं एक और जो टॉपिक जिसपे भी लगभग इलेक्ट्रिसिटी जैसा वेटेज रखा गया है, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। उसमें क्या क्या क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है, उसमें क्वेश्चन
आपको ज्यादातर तो नहीं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे। डायग्राम पूछ दिया जाएगा, ठीक है, करंट का डायरेक्शन दे देगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछ लेगा, वहां पर क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, आपको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पता होना चाहिए, फिर फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, जनरेटर में कौन सा लगाते हैं, राइट हैंड लगाते हैं, और फिर अपना मोटर में लेफ्ट हैंड लगाते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा देख कर चलना पड़ेगा। ये दोनों ही रूल आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और बात कर लेते कुछ न्यूमेरिकल की, तो आपका यहाँ पर लॉरेंस फोर्स को लेकर आ जाता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल साइन थीटा। यहाँ पर एंगल पर भी डिपेंड करता है, और बहुत बार क्वेश्चन में आंसर यहाँ पर एंगल जो है उस पर, अगर दोनों ही सेम लाइन में होंगे, पैरेलल हो गए, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, जीरो, और साइन थीटा के वैल्यू जीरो डालेंगे तो साइन जीरो हो जाएगा और पूरा का पूरा फोर्स जीरो हो जाएगा। तो ये बात बहुत बार क्वेश्चन में देखिएगा, अगर पैरेलल है, ज्यादातर क्वेश्चन उसी से देखने को मिला है कि वहां पर पैरेलल के बारे में पूछा जा रहा है, और अगर कभी पूछ दे कुछ थीटा डाल के 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री पर मैक्सिमम आएगा। और यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी से टेस्ला में कुछ दिया रहेगा, आई करंट से और एल लेंथ से आपको दिया रहेगा मीटर में। तो ये सारे फॉर्मूले पे कैलकुलेशन रहेगा, बट मोस्टली मैं अभी भी बता रहा हूँ कि ये वो जीरो करना चाहता है और देखना चाहता है आपको पता है कि नहीं। दो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी करंट भी इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो उस केस में फोर्स डेवलप होता ही नहीं है, तो ज्यादातर तो वो जीरो वाला ही ऑप्शन रहेगा। बट तब भी आप चेक कर लेना कि पैरेलल है कि नहीं, 90 डिग्री पे है तो मैक्सिमम आएगा, तब आपका बी आई एल हो जाएगा, साइन 90 वन होता है तो सिर्फ बी इंटू आई इंटू एल हो जाएगा, ठीक है, उस केस में आप क्वेश्चन कर लेंगे। मैग्नेटिज्म पर भी आपको समझ में आ गया किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चलिए देख लेते हैं मिरर पर किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हमारे इंपॉर्टेंट है। तो एक तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आपका कि आपको फुल इमेज देखना है अपना, तो आपको मिरर कितना लगेगा, प्लेन मिरर कितना लगेगा, हाफ लगेगा, प्लेन मिरर उस केस में हाफ लगेगा, आपको फुल इमेज देखना है तो फुल अपने आप को देखना है तो हाफ लगेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका प्लेन मिरर से आ जाता है वेलोसिटी को लेकर, ठीक है, ये तो दिखाया है मैंने यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी, यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और नंबर ऑफ इमेजेस को लेकर आता है, नंबर ऑफ इमेजेस वाला फॉर्मूला n इक्वल टू 360 बाई थीटा, ठीक है, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल वाला अगर पूछे तो देख लीजिएगा उसमें, ठीक है, ज्यादातर चांस है सिमेट्रिकल वाला ही पूछेगा, तो आप ऑड और इवन से देख लेंगे, ऑड आएगा तो माइनस नहीं करेंगे, इवन आएगा तो इन दैट केस माइनस करेंगे जब सिमेट्री है तो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। एक और प्लेन मिरर से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर कोई प्लेन मिरर को थीटा एंगल से कर्व कर दिया गया, थीटा एंगल से बेंड कर दिया गया, तो उसका जो रिफ्रैक्टेड रे था वो कितना डिग्री से बेंड हो जाएगा, वो हो जाएगा टू थीटा से वो झुक जाएगा, बेंड हो जाएगा, थीटा से किया तो टू थीटा से, ये बात अभी आप याद रखेंगे, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी वही, मिरर के सामने कोई बच्चा 10 के स्पीड से दौड़ रहा है तो उसका इमेज उसके कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, टू टाइम्स हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी टू टाइम्स हो जाएगा। अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देख रहा है तो उसको उसी स्पीड से आते हुए दिखाई देगी जिस स्पीड से बच्चा दौड़ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके रिलेटिव वेलोसिटी पे हो जाएंगे मिरर के। और मिरर फॉर्मूला तो है ही अपना, मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u, जहां f फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कॉनकेव के लिए निगेटिव रहता है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रहता है, और u हमारा इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v हमारा इमेज डिस्टेंस है, ये सारी चीजें पता हो गए। फिर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला -v/u या फिर hi/ho, जहां hi क्या है, हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन पे आपको डेफिनेटली रहेंगे मिरर पर, इस पे तो फॉर्मूला रहेगा ही, इस पर एक क्वेश्चन कोई ना कोई रहेगा ही, और ये सारी चीजें आपको वहां पर बैठाकर आंसर लाना है। चलिए लास्ट टॉपिक है लेंस। इस पर ज्यादा जो क्वेश्चन मैंने देखे ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे देखे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल लीजिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल लीजिए, तो उन सब टाइप पर क्वेश्चन था। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको स्नेल्स लॉ ने भी दिया था, साइन आई बाई साइन आर करके इस पे फॉर्मूला था, इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका
सी बाई वी, जहां सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय उस मीडियम की वेलोसिटी, या फिर अगर बात करें हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो उसमें लिखा जाता है कुछ इस तरह से एन टू वन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इसका एब्सोल्यूट में दिया रहेगा तो एन टू बाई एन वन, या फिर वेलोसिटी में दिया रहेगा तो वी वन बाई वी टू। ये सारी चीजें आपको तमाम पता होना चाहिए। एक और फॉर्मूला है अपरेंट डेप्थ और यहाँ पर रियल डेप्थ, इसमें वो क्वेश्चन पूछ देता है। तो आपको पता है कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे पानी मान लीजिए, पानी में अगर कोई मछली है, ठीक, मछली है पानी में, तो यहाँ से कोई बच्चा उसको जब देख रहा होगा ना, यहाँ से जब उसको देख रहा होगा, तो इसको मछली कहाँ दिखाई देगी, ऊपर दिखाई देगी कि नीचे दिखाई देगी? थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, बट ये हकीकत में इतना है क्या, यहाँ पर है क्या? तो ये हो गया उसका अपरेंट डेप्थ, ठीक है, और ये हो गया उसका रियल डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ दिया पानी का, तो वन से ज्यादा होता है, 1.33 एग्जैक्टली होती है, तो वन से ज्यादा वैल्यू है, तो किसको किससे डिवाइड करेंगे तो वन से ऊपर आएगा, तो बड़ी वाली वैल्यू को ऊपर रखना होगा। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला बन जाता है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ। तो ये वाले फॉर्मूला पर भी क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे हो गया और ये वाले फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया। और फिर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, ये आपने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी लाइट की सोर्स पे डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी को चेंज कभी मत करना, फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, ये बात आप याद रखेंगे, इसको चेंज बिल्कुल मत कीजिएगा फ्रीक्वेंसी को। हाँ, तो चेंज क्या होता है, वेवलेंथ होता है और हमारी वेलोसिटी होती है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन रहेगा, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी या फिर वेवलेंथ दे रखी होगी या फिर आपको वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में पूछ सकता है, वी वन बाई वी टू के टर्म्स में पूछ सकता है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बस ध्यान रखिएगा फ्रीक्वेंसी को चेंज मत कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करती है, अगर लिखा होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ज्यादातर क्वेश्चन ये फ्रीक्वेंसी को कॉन्स्टेंट रख के बनाया जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा लेंस फॉर्मूला, वही 1/f = 1/v - 1/u, और यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v/u होता है या फिर hi/ho होता है। तो ये सारे फॉर्मूला एंड पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, जहाँ f किस में होना चाहिए, ये बात याद रखेंगे, मीटर में होना चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर अगर फोकल लेंथ है तो पावर कितना होगा, अगर 25 सेंटीमीटर का प्लस 25 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है तो बताइए पावर कितना होगा, तो 1/25 करेंगे बच्चे, गलत हो जाएंगे, 1/25 नहीं, 25 को पहले मीटर में कन्वर्ट करना, तो 0.25 हो जाएगा, और 100/0.25 कितना होता है, पॉइंट हटेगा 100 और 4 आ जाएगा, पावर आ जाएगा आपका इस केस में 4, और प्लस का है तो प्लस 4, और ऐसा यूनिट होता है डायोप्टर। तो ये सारी चीजें आपकी लेंस पर हो जाती हैं, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करनी है, खुद से ही आपको समझना है क्या आपका पूरी तैयारी है, पूरे टॉपिक पे आपका पकड़ है कि नहीं, सारे क्वेश्चन फॉर्मूले जो मैंने बताए क्या उस पे आपने क्वेश्चन डील किए हैं कि नहीं, अगर ये सब किए हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है। चलिए फिर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।